नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। आज दिल्ली की जनता ने करंट तो दे दिया और उस करंट से भारतीय जनता पार्टी बेहोश नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका अभी साफ तौर पर यह कहना है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। जब किसी ने टाइम दिया नहीं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, उसी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो नोटबंदी में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, और आज उस दफ्तर पर परिंदा भी पर मारता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि उसी से थोड़ा आगे जाकर के आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां चहल पहल ही नहीं बल्कि खुशी का इजहार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जितने भी लोगों से बात की उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि ये नफरत की हार है, प्यार की जीत है। क्योंकि जिस तरीके से नफरत भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, वो प्यार के पैगाम ने उस पर जीत अपनी दर्ज कर ली है। इतना तेज बटन दबाया है कि करंट का असर भाजपा के दफ्तर में देखने को मिला, और अगर किसी की नजरें टिकी हुई थी तो वो है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और आम आदमी पार्टी के ऊपर से भी अगर नजर हटाई तो थी नजर मुस्लिम उम्मीदवारों की। मुस्लिम उम्मीदवार कौन कहां से जीता, सभी की निगाहें वहां टिकी थी, क्योंकि जो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर साफ तौर पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जीती है। और जीतने से पहले जब चुनाव थे तो भाजपा दावा कर रही थी कि 48 सीटें जीतेंगे, और 48 भी नहीं तो हम 22 सीटें जीतेंगे। इस बार यकीनन आम आदमी पार्टी 3 सीटें कम जीती है, पर ये रुझान अभी भी पलट सकते हैं। और वक्त खत्म हो चुका है, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आई लव यू तक कह दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिस तरह सराखों पर केजरीवाल को बैठाया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और दिल्ली की जनता के साथ साथ और केजरीवाल के बाद अगर बात की जा रही है तो अमानतुल्लाह खान की, और अगर मैं अमानतुल्लाह खान की बात करूं तो नाइंसाफी होगी उन मुस्लिम उम्मीदवारों से जिन्हें इस बार केजरीवाल ने टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा था। 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी और 5ों ने अपनी जीत का परचम जबरदस्त तरीके से लहरा दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। और केजरीवाल से भी ज्यादा, चाहे दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी 70 सीटों की बात की जाए, अगर सबसे ज्यादा जीतने वाली सीट बनी है तो वो है ओखला विधानसभा सीट, जहां पर अमानतुल्लाह खान ने रिकॉर्ड मत जीत दर्ज की है, जिसमें लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए आ रहे हैं कि इतने में तो कांग्रेस के 3 विधायक जीत जाते। जी हाँ, मैं बात करता हूं उन मुस्लिम उम्मीदवारों की जो चुनावी मैदान में थे, और कौन कितने वोटों से कौन सी सीट से जीता है। तो सबसे पहली सीट की बात करूंगा सिलमपुर। अब्दुल रहमान चुनावी मैदान में थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने 36,000 वोटों से जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के परतक्षे उड़ा दिए हैं सिलमपुर में। जिस तरीके की राजनीति भाजपा ने की सिलमपुर में, जिस तरीके से मजलूमों के घर में घुस करके लाठियां बरसाई और बुरी तरीके से मारा, उसका जवाब सिलमपुर की जनता ने बखूबी दिया। 36,000 वोटों से जिता करके अब्दुल रहमान को विधानसभा में भेज दिया है। तो वहीं मुस्तफाबाद सीट की बात करूं, हाजी यूनुस 22,000 वोटों से जीते हैं, और मुस्तफाबाद में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी भी जारी है। मुस्तफाबाद को लेकर के भाजपा ने सुबह से खुशी बनाई जरूर, पर अंत आते आते हाजी यूनुस ने कहीं ना कहीं उनकी जीत में खलल डाल दिया और जीत का सहरा अपने सर बांध दिया। और वही बात आती है ओखला विधानसभा की। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान चुनावी मैदान में, और अमानत और भाजपा का बैर इन बीते 5 सालों में किसी से छुपा हुआ नहीं। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने अमानतुल्लाह खान को टारगेट किया, वो चेहरा लोगों के सामने है। और ओखला की जनता ने 1,00,000 वोटों से जिता करके अमानत, जो ओखला के हीरो के तौर पर उभर करके विधानसभा पहुंचे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है।
गृह मंत्री जी ने सही कहा था कि बटन इतना तेज दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, पर शाहीन बाग और ओखला विधानसभा के लोगों ने इतनी तेज बटन दबा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बेहोश हो चुकी है। और इसी के बाद मटिया महल सीट की बात करूंगा, जहां तुर्कमान गेट, बल्ली मरान, जामा मस्जिद के पास में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो शोहेब इकबाल 60,000 वोटों से जीत चुके हैं, जिन्होंने अपनी जीत का परचम इतना जबरदस्त तरीके से लहराया कि भारतीय जनता पार्टी दौड़ में कभी दिखती हुई नजर ही नहीं आई। तो वही बात होगी आखिरी सीट जो पांचवें मुस्लिम उम्मीदवार जीते, बल्ली मरान से इमरान हुसैन 35,000 वोटों से जीत का परचम लहराया है, और इतना जबरदस्त लहराया है कि हर कोई मुंह ताकता रह गया और इमरान हुसैन फिर से जीत करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, ताकि और दिल्ली की जनता से जुड़े अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हो सकूं। शुक्रिया।